जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर अल्लाहु अकबर। हाल ही में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो काफी वायरल हुआ। दरअसल उन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान जय फलस्तीन का नारा लगाया, जिसके बाद से इस पर जमकर राजनीति शुरू हो गई थी और ये शुरू हुई राजनीति पर अब सियासत थम नहीं रही है। इस मुद्दे पर ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच रविवार को हिंदूवादी संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने जंतर मंतर पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की कड़ी में ओवैसी का पुतला जलाया। प्रदर्शन में भारी संख्या में कई संगठनों के सदस्य भी शामिल रहे। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने AIMIM चीफ ओवैसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। दरअसल 25 जून को संसद में शपथ ग्रहण के दौरान सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा दिया। इसी बात से हिंदूवादी संगठन नाराज हैं। दो दिन पहले अज्ञात लोगों ने उनके सरकारी आवास पर इजराइल के समर्थन में पोस्टर भी लगाए थे। वहीं कई राजनीतिक दलों के नेता भी असदुद्दीन ओवैसी के नारे पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। NI से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा, हर कोई बहुत सी बातें कह रहा है, मैंने सिर्फ कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। ये कैसे खिलाफ है? संविधान में प्रावधान दिखाएं। जो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोले, हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं उनको काम रिकॉर्ड चटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड चटाना, छोड़िए ना, बोलने का बोल दिया। अब क्या है, आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जत करा रहे हैं। जय, अब हम उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे। जय फलस्तीन कहने का कारण पूछे जाने पर ओवैसी ने कहा, वहाँ की आवाम महरूम है, महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में बहुत कुछ कहा है और कोई भी जाकर पढ़ सकता है। ओवैसी के जय फलस्तीन कहने के बाद लोकसभा के सदस्यों के रूप में शपथ लेने के बाद केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और किरेन रिजिजू ने ओवैसी की आलोचना की और उनके बयान की निंदा की थी। NBT ऑनलाइन रिपोर्ट।